है छक्का। आप क्या बोल रहे हो? बॉयकॉट कर देंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। 401 करोड़ की पिक्चर, 408 करोड़ की पिक्चर, 410 करोड़ की पिक्चर बॉयकॉट करते रहो, बॉयकॉट करते रहो, बॉयकॉट। अब बनाएंगे 700 करोड़ की पिक्चर। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको, कौन सी दुनिया में हो तुम? तुमको क्या कर लो, 500 करोड़, 600 करोड़ के अभी 100 पिक्चर कर लो बॉयकॉट, इनको फर्क पड़ने वाला है? अभी बन रही है 700 करोड़ की पिक्चर। ले ब्रह्मास्त्र हिंदू शास्त्र के हिसाब से आपने बॉयकॉट कर ली, लेकिन यहाँ तो महाभारत बन रही है, भगवान कृष्ण, अर्जुन, इन सब सारी चीजों की महाभारत बनने वाली है। अब 700 करोड़ की पिक्चर, वाह! ये बॉलीवुड ने मारा है बहुत बड़ा तमाचा, बहुत बड़ा छक्का। अब बनेगी 700 करोड़ की फिल्म। अब ये फिल्म कौन बनाने वाला है, क्या होने वाला है, सब बताता हूं। देखो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बॉलीवुड को गलत बोल रहा हूं, ना मैं आपको सही बोल रहा हूं, ना बॉलीवुड को सही बोल रहा हूं। लेकिन ये पूरी जो पॉलिटिक्स रची गई है, उस पॉलिटिक्स का आपको अंदाजा बता देता हूं कि ये पॉलिटिक्स क्यों और किस तरह से हुई, और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे इस तरह से किया गया, और ये ट्रैप लोगों को कैसे किया जाता है। अब मैं उनको गारंटी देता हूं, ये पिक्चर अब यही लोग प्रमोट करने वाले हैं जिन्होंने आप लोगों को बॉयकॉट की तरफ लेके गए। बिल्कुल बाबा, क्योंकि जो आर्टिस्ट है ना इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कौन है। ये फिल्म बनने वाली है महाभारत। इस महाभारत फिल्म में कौन बनाने वाला है, पहले मैं बता देता हूं कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे नाडियाडवाला, जिन्होंने एक महाभारत बनाई थी जिसमें दारा सिंह साहब थे, जो हनुमान जी बने थे रामायण में। दारा सिंह जिन्होंने बहुत, और रियल में पहलवान थे, रुस्तम। तो रुस्तम पहलवान एक पदवी होती, शायद वो उन पहलवान थे और रियल में, और उनको रामानंद सागर ने इसीलिए रामायण में, महाभारत में लिया, और वो हनुमान का कैरेक्टर इतना ज़्यादा हिट हुआ कि वो बाद में बहुत सारी उन्होंने फिल्में बनाई। रामायण के ऊपर फिल्म भी बनी थी, लेकिन महाभारत के ऊपर ये फिल्म बनाई थी नाडियाडवाला। अब इनके सन जो है, राजे नाडियाडवाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिरोज नाडियाडवाला, ये जो है फिरोज नाडियाडवाला, ये फिल्म बना रहे हैं महाभारत, जो 700 करोड़ की फिल्म है। 700 करोड़ की फिल्म, जिसमें कौन कौन है? अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, ये तीनों पहले भी आपको देखे गए थे एक फिल्म में। फिल्म का नाम था सूर्यवंशी। अब आगे बात करता हूं। अमित शाह जी मिलते हैं रोहित शेट्टी को, क्योंकि फिल्म के बिजनेस का पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म वाले ब्लैक मनी यूज करके पॉलिटिशियन को पैसा दे ही नहीं रहे थे, ये फिर भी कांग्रेसी के थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो खुला छोड़ रखा था उनको, तो राजीव गांधी के बाद कोई था ही नहीं अच्छा, तो उसके बाद ये सब चल ही रहा था। तो इनकम टैक्स जो है बचा रहे हैं, तुम जो खा रहे हो हमारा पैसा, क्योंकि इनकम टैक्स का पैसा देश का नहीं मानते पॉलिटिशियन, इनकम टैक्स का पैसा दे पॉलिटिशियन मानते कि हमारा है, ये पैसा। तुम गौर होते हो सालो, तुम पैसा दो हमको, फिल्म वाले हो या कॉमन आदमी हो, साला झोपड़पट्टी में क्यों ना रहता हो? तू कोका कोला खरीदेगा या कुछ भी खरीदेगा, वड़ा पाव भी खरीदेगा अगर कंपनी का, तो उसका इनकम टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तेरा इनकम टैक्स मेरा अधिकार है। ये पॉलिटिशियन के वर्ड है, ये कसम खाते होंगे रात को 12 बजे, जिस दिन ये कसम खाते हैं ना अपनी संविधान की, उस दिन रात को 12 बजे दारू के साथ ये कसम खाते होंगे कि पब्लिक का इनकम टैक्स मेरा पर्सनल पैसा है, ये पॉलिटिशियन बोलते होंगे, लिख के ले लो। तभी तो फिर बाद में इनकी जान जली कि ये बॉलीवुड का पैसा साला क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ अंडरवर्ल्ड वाले लोग, कुछ बॉलीवुड के कांग्रेस सपोर्टर लोग, उनके इन्फ्लुएंस में उनका होल्ड चलता है, ये तो आपको पता ही। उस हिसाब से सब सॉल्व ही नहीं हो रहा था, तो फिर क्या करे, एनसीबी को डालो, इसको डालो, उसको डालो, और फटाफट बॉलीवुड को थोड़ा सा खराब करके बॉयकॉट करो। पूरे वीडियोज में लेना, मेरे हिसाब से मैं कोई बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सपोर्ट करके, बॉयकॉट करके, फिर इनको अपने लाइन पे लेके आओ। इसका सॉल्यूशन क्या है मालूम है? क्या किया इन्होंने, आपको समझ नहीं आ रहा? एकता कपूर जो इतने सालों से बालाजी चल रहा है, उसको खरीदा किसने? रिलायंस ने। आपको समझ नहीं आ रही रिलायंस कौन है? रिलायंस को कंप्लीट बीजेपी सपोर्ट करता है बॉस। अब आगे जाके करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन अडानी खरीद लेगा, मतलब एक अभी बात कुछ नहीं है फाइनल, लेकिन करण जौहर का टाइम लगेगा। अब करण जौहर को नीचे लगाने में, एकता कपूर को नीचे लगाने में इनको कोई हिंदू और इससे हिंदू राष्ट्र बनाना है, या फिर बॉलीवुड के लोग क्रिमिनल है तो इनको अंदर डालना है, या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देना है, ये इनका कोई पर्पस नहीं है पॉलिटिशियन का। इनका पर्पस है कि हमारे जो लोग हैं, जैसे बाबा रामदेव को पतंजलि दे दिया, वो तो बड़ा बेचारा अच्छा काम कर रहा है, बाबा रामदेव अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बाद में अडानी, रिलायंस, इन सबको एक एक बिजनेस डाले जा रहे सब बीजेपी वालों। ओ बीजेपी वालों, एक छोटा सा वीडियो एल्बम वाला जो सेक्शन होगा ना, अगर आप किसी को बर्बाद करने वाले होंगे जो कांग्रेस सपोर्टर होगा, जो मैं भी चाहता हूँ कांग्रेस सपोर्टर कोई भी है ना, उसका वो कंपनी जो खरीद रहे हो आप, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे को बना दो। पूरा मीडिया के बारे में सब जानता हूँ, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा एज ए मेन हेड। सैलरी तो मांग रहा हूँ, कौन सा पार्टनरशिप मांग रहा हूँ, प्लीज़ नितेश राणे जी बात कर लो। इतना मेरा फ़ायदा उठा दिया आपने यार, बहुत हो गया भैया। और मीडिया, इंडियन मीडिया आपने भी दबा के फायदा उठा लिया, कम से कम इतना 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 कोर्स कर लो। जंगल में घूम रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टैलेंट के कुछ तो कदर करो। हिंदू आदमी हूँ, ऊपर से मराठी आदमी हूँ, सारा महाराष्ट्र में जीते हो, महाराष्ट्र में खाते हो, महाराष्ट्र में पीते हो, महाराष्ट्र की बातें करते हो मराठी लोगों की, और एक मराठी आदमी जंगल में घूम रहा है, टैलेंटेड आदमी, उसको भूल गए। उसका ऊपर से उसका फायदा उठाने के बाद वाह रे वाह। हाँ, आगे बात करता हूँ। अब ये एक एक करके कंपनी अपने नाम करने वाले हैं। पहले इन्होंने देश की जनता से, सरकार से ही, वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी पहले कौन हैंडल करता था, गवर्नमेंट ही की थी, BSNL ऐसा कुछ था, उनको देके अडानी को दे दिया, रिलायंस को दिया, फिर अडानी को दिया। वहाँ से इनको टैक्स आता है क्योंकि काम इनको करना नहीं है। इलेक्ट्रिशियन सप्लाई कौन करेगा, कौन इतना हेडेक संभालेगा, और एक हेडेक। अरे यार, मंत्री बनाओ, इलेक्ट्रिशियन का एक मंत्री बनाओ, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये हमको पैसा दे, वो हमको पैसा दे, मतलब काम नहीं करना, बैठ के पैसा खाना है। होता है हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत लोग करते हैं। जैसे नॉर्मल बताता हूँ, फिल्म आता है किसी के पास, फिल्म आता है, हाँ ये डायरेक्टर है, ये है, हाँ तू संभाल ले भाई साहब, हाँ कितना पैसा है, 100 करोड़, 30 करोड़ अंदर, ये 70 करोड़ में बना पिक्चर। अब पिक्चर ऐसी बनेगी ना भाई, एक तो 120 करोड़ की पिक्चर बनने वाली थी, उसने 100 करोड़ दिए। अब टैलेंटेड आदमी 100 करोड़ में एडजस्ट भी कर ले तो बीच वाला मीडिएटर खा लेता है, 30 करोड़, 70 करोड़ देता है। और यही हाल देश के पूरे सिस्टम का है। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, उसमें से बीजेपी को पैसे देने पड़ते हैं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर को बेचारा को पैसे देने पड़ते हैं 50%। मतलब जो रोड 5 करोड़ की बनने वाली है, ये आरे कॉलोनी पे जो इन्होंने बैंड बजाई आप लोगों ने, आरे कॉलोनी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे आदित्य ठाकरे और ये सब लोग, वो आरे कॉलोनी पे आप आए हो कभी? आरे कॉलोनी का रास्ता देखा आपने कितना घटिया है? कभी आए हो आरे कॉलोनी, कभी गए हो आरे कॉलोनी? रोज कम से कम वहां पे 2 लाख लोग ट्रैवल करते होंगे, रोज साले बद्दुआई देते होंगे आप लोगों को, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये क्यों हुआ पता है? 20 करोड़ रुपए उस रोड पे खर्चा हुए, पेपर पे 20 करोड़ पेपर पे खर्चा होते हैं, लेकिन वो रोड पे कितने खर्चा हुए 6 महीने पहले, 6 महीने या 1 साल पहले, वो रोड फुट गया। ये कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दिए होंगे, आधे पैसे गवर्नमेंट को, और बाकी लोगों खुद भी खा गया होगा कॉन्ट्रैक्टर। करे क्या हो? इसमें आया अक्षय कुमार की फिल्म है, शायद क्या नाम है उसका, आइला उसका पहला गाना, पहले फिल्म का जो गाना था वो, जिसमें बहुत अच्छा एक्टिंग किया था राजपाल यादव और अक्षय कुमार और जॉनी ने। अब ये फिल्म के बारे में बात करता है, बहुत टाइम हो जाता है क्योंकि बातें इतनी सारी करने को है, इनके कांड इतने सारे हैं कि किसको समझाए। अब एक एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती वो अपने अंदर ले लेगी। आ भाई तू, एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो एक कंपनी का, मैं मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मैं ज़िंदगी भर उस कंपनी में रह के जितना लोगों का भला कर सकता हूँ, आपको पैसे देने के बाद आपको पैसे दूंगा जितना देना है, साथ ही साथ कुछ लोगों का भला कर दूंगा, कुछ आर्टिस्ट का भला कर दूंगा, थोड़ा सा पैसा मैं कमा लूँगा, डोनेशन दूंगा 100%, क्योंकि मैं आज की डेट में मुझे नहीं लगता मैं शादी करने वाला हूँ, तो पैसे कहाँ लेके जाऊँगा, तो फिर ये डोनेशन भी कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुण्य आपको मिल सकता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, और उसके ऊपर काम मैं आपके साथ जेन्युइनली करूंगा। जो पैसा आप मांगोगे अरे वो मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास तरीके बहुत है निकालने के पैसे, मतलब लोगों को लूट के नहीं, क्रिएटिवली। अब ये पिक्चर जो बनी थी, महाभारत की बात करते, 700 करोड़ की पिक्चर AG नाडियाडवाला ने जो बनाई थी, नहीं AG नाडियाडवाला ने पहली महाभारत बनाई थी जो बहुत कम में बनी थी और बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें पद्मिनी जी थी, दारा सिंह थे, प्रदीप कुमार थे। लेकिन अब ये फिल्म बनने वाली है 700 करोड़, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह है। और इसका फर्स्ट प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, जो कम से कम 2025 तक उसकी फर्स्ट कुछ पिक्चर्स वगैरह सामने आ जाएंगी प्री प्रोडक्शन करने के बाद। प्री प्रोडक्शन भी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत पैसा खर्चा होता है। प्री प्रोडक्शन मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना, फोटोज़ वगैरह डिसाइड करना, इमेजेस वगैरह बनाना, टेक्स्ट वो होता है, बहुत छोटे छोटे डायलॉग वगैरह लिख के कितना मैटर करता है डायलॉग का सामान, और ये सब वीएफएक्स कौन करेगा, क्या करेगा। यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये फिल्म का वीएफएक्स और जो फिल्म बनने वाली है वो कंपेयर टू द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गॉस थॉमस एंड स्टार वॉर्स, इसके मुकाबले होगी जो हॉलीवुड की फिल्म है। अब इस बजट इज मोर देन 700 करोड़, 700 करोड़ से भी ज़्यादा बजट है इस फिल्म का। और इन सब फिल्मों का भी था काफ़ी पहले। एक्ट्रेस इसमें दूसरे जो एक्टर्स हैं वो है परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर। मैं खुद नाना पाटेकर जी का फैन हूँ। परेश रावल वॉज अ वेरी गुड एक्टर। अनिल कपूर साहब तो है ही, कभी जवानी रहते हैं वो। अब ये 1965 में जो बनी हुई महाभारत है उसका, मतलब महाभारत तो महाभारत, उसका रीमेक नहीं है बेसिकली, महाभारत महाभारत। लेकिन ये अब उस लेवल का ग्राफिक्स और उस लेवल की चीज़ें बना के करेंगे ही। अब बात यहाँ पे है कि जो बॉयकॉट ट्रेंड चालू किया था, बॉयकॉट ट्रेंड जो चालू किया था, और अब इस बॉयकॉट ट्रेंड को गवर्नमेंट बंद कैसे करेगी। क्योंकि इन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर दिया, पब्लिक ने कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर दिया। प्रमोट कैसे कर दिया? अब हमारे साथ फोटो खींचा विवेक अग्निहोत्री वगैरह, वो सब बातें अलग है कि विवेक अग्निहोत्री भी बीफ खाते थे और रणबीर कपूर भी बीफ खा खाता, दोनों ने एक्सेप्ट किया था मीडिया में। लेकिन चल गया, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे काम तो अग्निहोत्री भी नहीं देता और रणबीर भी नहीं देता, तो मैं क्या को, मैं सिर्फ सच बोलने वाला हूँ। क्योंकि जवाब मुझे एक ही आदमी को देना है, ऊपर भगवान कृष्ण को, बाकी तो भाड़ में जाए जिंदगी, मेरे को क्या लेना देना, लेकिन सच जरूर बोलूँगा। अब रही बात फिल्म की, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में भी है जो इन्होंने प्रमोट की थी। वो अक्षय कुमार की एक फिल्म थी महाराणा प्रताप, वो बीजेपी ने प्रमोट की लेकिन चली नहीं। अब जनता को आप एक बार बोलते हो कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस, जनता को आपने समझा दिया, मीडिया मीडिया ये वो सब करके जनता को आपने पहले सच बता दिया, 302 है भाई ये। अब इनके सर पे तांडव हो गया, अब करे तो क्या करे साला, 302 कैंसिल कैसे करे, तो बैंड बजी पड़ी है। अब जनता को मनाए कैसे? अब मनाए तो कहीं भी ना कभी ये करेंगे ही, कहा 304 है, आपको मालूम है ये बात, 304 ही फाइनल करने वाले, 300 है नहीं, है 302 लेकिन 304 लगाने वाले। अब रही बात इन्होंने जो बॉलीवुड बॉयकॉट जो स्टार्ट किया था, अब ये इनका कैसे हो, इनके ऊपर लगेगा। इसका बताओ क्यों लगेगा? सुशांत सिंह राजपूत खुद अपना बदला ले रहा है, उसने, आपको मैंने समझाया था, पूरा बॉलीवुड वो भी नहीं चाहता कि पूरे आर्टिस्ट खत्म हो जाए, वो भी चाहता है कि आर्टिस्ट चले, जो जेनून हो, जो अच्छे हो, जिनके अंदर कला हो, वो चले, न्यू कमर टैलेंट भी चले, ये वो चाहता था। फेक बॉलीवुड पीपल बॉयकॉट करना चाहता था वो सारा नहीं। लेकिन अब क्या है, ऐसे ही वो बिहार अच्छा करना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने साथ में आके बिहार इलेक्शन की वजह से, पहले सीबीआई दे दी, सब दे दिया, बिहार इलेक्शन की वजह से कैंपेन इतना बड़ा कर दिया सुशांत का। लेकिन आज बीजेपी को मिला बिहार ना, चले गए नीतीश कुमार साहब। अब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई से हटा के एनसीबी में डाल के बॉलीवुड बॉयकॉट करके अपने ये कंपनीज लेनी थी इनको, बालाजी वालाजी सब अपनी जगह, तो इन्होंने दोबारा ये फायदा करके जो बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड चलाया, अब इनके वापस वो भी सर पे इनके नाचने वाला है। जैसे सीबीआई फॉर एसएसआर जो इनके सर पे नाच रहा है ना, पब्लिक डिमांड कर रही है 302, ये भी इनके सर पे नाचने वाला है। क्योंकि ये अभी बॉलीवुड चालू करने वाले हैं एक एक करके। अब जो बालाजी रिलायंस ने लिया, उस बालाजी को चालू करने वाले है, बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब पब्लिक बोलेगी क्या, अरे काय को आप सपोर्ट कर रहे हो उनको, अब बॉयकॉट ही करना। अब मेरी बात सुनो जनता, अगर बॉयकॉट ही करना है तो पूरा ही करो, फिर सबको ही करो, फिर सिर्फ न्यू कमर को लेना, न्यू कमर जो आता है वो, क्योंकि कला को मैं बॉयकॉट करने की कभी सलाह नहीं दूंगा, फिर सबको करो। फिर ये महाराणा प्रताप जो पिक्चर आई थी, इसको बीजेपी प्रमोट क्यों कर रही थी? भाई साहब बात यहाँ वो नहीं है, क्योंकि मेरे को काम ये तीनों लोग भी नहीं देने वाले, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, ये भी नहीं देने वाले हैं। मैंने देख लिया सूर्यवंशी को, सूर्यवंशी मैंने प्रमोट रोहित शेट्टी की वजह से किया था, रोहित शेट्टी ने पर्सनली नहीं बोला था मेरे को, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। ये आदमी ने कभी सुशांत को परेशान नहीं किया, एक अवार्ड शो में खुद सुशांत को अवार्ड दिया था। आपको पूरा नॉलेज नहीं है, इसके लिए मेरे ऊपर डाउट करते हो। इसीलिए रोहित शेट्टी को मैंने बोला था कि नहीं, रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी प्रमोट की थी और सूर्यवंशी हिट हुई, और मुझे मालूम था वो गलत पिक्चर नहीं बनाएगा। बात यहां पे यह है कि अब बीजेपी क्या करेगी। गेम समझ में आता है आपको? ये था पूरा गेम, एक एक करके अंदर आ रहे भाई, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी ये अंदर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे बोर्ड, मेट्रो हमारा, अब सारा हमारा। क्योंकि भाई साहब मोदी पता है कौन है? गुजराती है। बहुत साल पहले 2007 में मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, गुजराती, फुल बिजनेस माइंड, इसलिए छोड़ के गई थी, बोल के गई थी मुँह पे कि भोसड़े के 6 महीने में सुशांत ने तेरे को कोशिश की, तूने भी सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन भोसड़े की तेरी किस्मत घटिया है जो तू 1 BHK फ्लैट भी मेरे लिए खरीद नहीं पाया। 1 BHK फ्लैट मुंबई में मैं खरीद नहीं पाया, 6 महीने में किसने खरीद लिया अभी तक अपनी मेहनत पे? वो तो सुशांत को भी टाइम लगा। तो ये गुजराती होते हैं भाई, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये टेंडेंसी है गुजराती की। मैं गुजरातियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड को गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये टेंडेंसी है। पैसा 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 आने दे भाई। वादे हमने किए थे बहुत सारे, फैक्ट यही फैक्ट, दुनिया की फैक्ट। तो मोदी जी वही कर रहे, एक एक करके पूरा का पूरा इंडिया का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सारे डिपार्टमेंट अपने अंडर लेने वाले हैं और फिर तैयार हो जाए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर जी, मोदी जी हो या अमित शाह हो या फिर कोई भी हो, आप ये बात, ये लोगों के पास तो पहुंचती भी नहीं होगी मेरी बात, लेकिन नीतीश राणे तो जानते हैं यार। एक रिक्वेस्ट कर दो, इतने डिपार्टमेंट तुम्हारे पास आने वाले हैं ना 2 साल में, क्योंकि पब्लिक को तो चुपचाप बनाना दुनिया भर के पॉलिटिशियन का काम, वो छोड़ दो। पहले शिवसेना बनाती थी, कांग्रेस बनाती थी, आम आदमी पार्टी बनाती है, आज बीजेपी बना रही है। वो बनाता रहेगा और पब्लिक चुतिया बनती रहेगी। छोड़ो पब्लिक की बात, कोई मतलब नहीं है पब्लिक को समझा के, मैं थक गया हूँ, मेरे को सब पता है पब्लिक क्या सोचती है और किस तरह से डाइवर्ट की जाती है, और कैसे फेक अकाउंट और कैसे लोग बनाते हो और क्या कैंपेन चलाते हो और किस तरह से मीडिया हैंडल करते हो, सब सारा गेमबाजी मेरे को पता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जो भी सिर्फ एक काम दे दो, कोई एक डिपार्टमेंट, जो आपने बालाजी लिया, चलो बालाजी में एक म्यूज़िक एल्बम स्टार्ट कर दे आप। रिकवरी का मैं प्लान लेके आता हूँ, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। रिकवरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, 50% कंपनी का, 50% में मैं सब हैंडल कर लूँगा। आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, वेरियोग्राफर मैं भी उसमें हीरोइन, डायरेक्शन, कैमरा वैमरा, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्टिंग, म्यूजिक एडिटिंग वगैरह, म्यूजिक मिक्सिंग वगैरह, सिंगर स्विंगर, सारा चीज़ें, लोकेशन फोकेशन, सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन, यहाँ तक कि खाने के डब्बे के सबको इनको हैंडल कर लूँगा। एक आदमी भी आपको ये तक नहीं बोलेगा कि खाना अच्छा नहीं था, या फिर स्पॉट बॉय भी नहीं बोलेगा कि मेरा पेमेंट नहीं मिला। 50% में काम कर दूंगा, नए नए कलाकारों को लूँगा, और आपको चाहिए अगर पुराना कलाकार तो उसको भी बेचारे को हैंडल कर लूँगा, क्योंकि आप लोगों को आपके रिलेशन भी होते हैं कि नहीं भाई मेरे जीजा को लो, मेरे उसको लो, वो भी मैं झेल लूंगा, वो भी कर लूंगा। 50% में आपको प्रॉफिट भी बना दूंगा और वो हिट भी कर दूंगा, गारंटी, गारंटी। तो प्लीज वो एक नौकरी दे तो मेरा जिंदगी सवर जाएगी, मैं भी अपने काम पे लग जाऊंगा और मैं काम करूंगा। इसके बाद ये समाज कार्य चल रहा है ना बीच में, इसको करके कुछ फायदा तो है नहीं, ना ही जनता जागरूक होती है, ना ही पॉलिटिशियन चेंज होने वाले हैं, ना ही मीडिया चेंज होने वाली, ना ही कुछ होने वाला, चेंज तो कुछ होने वाला है नहीं। जो पावर में बैठे वो अपने हिसाब से चलाते हैं और अपने हिसाब से चलती है दुनिया। तो सोचो, मेरे पास जो ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देखोगे, आपके पास पूरा ये होगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मेरे को सारी गेमबाजी पता है आपकी, आगे क्या करने वाले वो भी पता है। लेकिन इसमें एक काम तो अच्छा कर लो, एक काम तो अच्छा कर लो, हिंदू हिंदू बोल के कम से कम वो माँ सरस्वती और शिव का इज्जत रख के एक तो अपने कंपनी में एक ऐसा आदमी रख लो जो अच्छे कलाकारों को काम देगा, कुछ तो बच जाएंगे ना बेचारे। देख लो अभी क्या है, आगे जाके सब कुछ बीजेपी होने वाला है। मुझे लगता है कुछ दिनों में नोट के ऊपर भी बीजेपी, मोदी जी का फोटो आने वाला है, और शायद भारतीय जनता पार्टी, इंडिया, भारत, इसका नाम भी ना पीछे टैगलाइन जो होती है ना, वो शायद बीजेपी बनने वाला है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। बाकी जो बचे कुचे लोग हैं ना स्टेट, वो भी चेंज होने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री अंदर आने का काम चालू हो चुका है। अब समझ में आया बॉयकॉट बॉलीवुड जो चलवाया था वो क्यों चलवाया था, इनको कोई लेना देना नहीं है सुशांत से, कोई लेना देना नहीं बाकी चीज़ों से, ये कुछ और ही चल रहा है। अभी सुशांत का बॉलीवुड बॉयकॉट जो चल रहा था, उसके बाद उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही थी एनसीबी जो बीजेपी सपोर्टर थे? या बीजेपी सपोर्टर मतलब चरस गांजा पीते नहीं है, मेरे को मत बताओ सारी चीज़ें। सिंपल सी नौकरी दे दो, मैं अपना काम करूंगा, नए लोगों का काम करूंगा और ये सब चीज़ों से हट जाऊंगा। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं ज़िंदगी में बोलूंगा। ठीक है भाई, देश की जनता प्रणाम हो, बहुत समझाया आप लोगों को, लेकिन आप समझते ही नहीं हो।